1 meter. एक जो एक कुआ है ठीक है, जिसका जो डाया कैसे 1300 हो गया ना, चलो इसे सीधा कर लेते हैं हम लोग, इसका जो डाया है दैट इज 2.1 meters. ठीक है, तो रेडियस तो देखो सिंपल निकल जाएगा ना यहाँ से, रेडियस डायमीटर 2.1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो 1.05 meters हो गया इसका रेडियस. ठीक है, अब जो इसकी हाइट है दैट इज 14 meters, हाइट यहाँ पे हो जाएगी इसकी 14 meters. ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमें इसे प्लास्टर करना है, उसकी कॉस्ट निकालो. तो देखो प्लास्टर करना है तो ऑब्वियसली इसके बेस पे तो करना नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आगे पीछे का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh, यही तो होता है 2 × 22/7, आर कितना है 1.05, h कितना है तुम्हारा 40. ठीक है, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे यू विल गेट द आंसर एज 92.4 meters square. ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर तुम 1 meter square को इसको पेंट करते हो तुम्हारी कॉस्ट 5 रुपए निकलती है. ठीक है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 meter square इज इक्वल टू 5 rupees, है ना. 1 meter square को पेंट करोगे तो 5 रुपए लगते हैं, इसको पेंट करोगे तो कितना लगेगा, इसमें तुम 5 को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, है ना. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 92.5 meter square इज इक्वल टू 92.4 × 5 कर दो. ठीक है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंपल तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी ₹462. ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है ना. चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11.